नीचे एक्टिवा थी? मैंने जान नहीं दिया। नहीं थी। नहीं थी? पापा है ही नहीं घर पे। फोन करो, इनको सरप्राइज देना था, उन्होंने सरप्राइज दिया। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज व्लॉग स्टार्ट होता है और बरसों बाद, काफी दिनों बाद धूप आई है बाहर और अब हमने कपड़े कुपड़े सारे सुखाने रख दिए, सारे गिल्ले पड़ रखे थे तब से और मेरे जूते भी गिल्ले थे तो वो भी सुखाने रख दिए। और अभी तो आज का जो व्लॉग है वो मोटी बनाएगी और वो क्यों, वो मोटी आपको बताएगी क्योंकि आज मैं अपनी ड्यूटी मोटी को दे रहा हूँ। आज सारा व्लॉग मोटी के हाथ में और मैं सिर्फ कैमरा फोन पकड़ के उसके साथ साथ जाऊंगा बस, और मोटी व्लॉगिंग करेगी। तो भाइयों अभी तो हमने तैयार होना है, अभी हमने कहीं जाना है और अभी मैं तैयार हो जाता हूँ। देखो मैं इनर पे खड़ा हूँ और मोटी भी तैयार हो रही है, तो तैयार होके मिलता हूँ मैं, तब तक वेट कीजिए। तो यार हम हो चुके हैं देखो तैयार एकदम और अभी हमने जाना है जीरकपुर। और अब जो व्लॉगिंग का जो जिम्मा है वो मैं मोटी को दे रहा हूँ, मैं सिर्फ फोन संभालूंगा, वीडियो सारी मोटी बनाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मतलब जो भी बातचीत है मोटी करेगी। तो अब मोटी करेगी, तो अब आपको मोटी बताएगी कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, तो मोटी बताएगी। ठीक है, तो अब मोटी के बारे में, तो चलो मोटी। हेलो गाइस, मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रही हूँ बिकॉज आज एज वी नो आज 26 जनवरी है और रिपब्लिक डे आज। तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, जय हिंद जय हिंद। हमें बहुत गर्व होना चाहिए हमारे इंडिया के ऊपर, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर रही है। और एक और चीज है जो आज के दिन को स्पेशल बनाती है, वो स्पेशल डे ये है कि आज मेरे पापा का जन्मदिन है, मतलब यामी के नानू का जन्मदिन है। तो उनको हम सरप्राइज देने जाने चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं पहली बार उनको सरप्राइज दूंगी, कभी नहीं दिया मैंने, ना कभी गिफ्ट किया कभी, वो बस वो हमें घुमाते थे और जिस दिन उनका जन्मदिन होता था परेड ऑन करके देते थे, देखो मैंने परेड करवाई है, और हम बोलते थे कोई सरप्राइज नहीं है ये, पर इस टाइम उनको सरप्राइज देना चाहते हैं। तो लेट्स सी। सो अब हम जा रहे हैं अपने पापा, मैं अपने पापा के लिए गिफ्ट लेने के लिए जा रही हूँ। अब देखते हैं हम गिफ्ट क्या है, इट्स अ वेरी सरप्राइज फॉर एवरीवन, क्योंकि वो तो बना होगा, बस हमने लेके आना है उसको और फिर हम जाएंगे जीरकपुर। पापा को बिल्कुल पता नहीं है कि हम आने वाले हैं और अभी तो मैंने पूछा भी नहीं है कि पापा घर पे होगे कहीं नहीं हो, अभी फोन करके मुंह में से ऐसे पूछूंगी कि पापा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आज उनको भनक नहीं लगनी चाहिए ना। और एक ये है ढपला सा, इसको रात को पता चल गया था कि हमने जाना है और ये लड़की पूरी रात नहीं सोई है, 2 बजे सोई है ये भूत मेरी मोटी। इसको घूमना बहुत पसंद है, देख रहे हो अभी, देखो खुशी देखो लड़की। हाँ हाँ, चलो अब देखते हैं हम पहुंचते हैं वहां जहां देना है हमको गिफ्ट, मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ रुके हैं केक के लिए, गए मोटी। देखो इस अगर मैं वीडियो बना रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको अनसब्सक्राइब कर दोगे, अनफॉलो कर दोगे, व्हाटएवर नहीं करना है, फैलाना है, ठीक है, अच्छा लगे बुरा लगे शेयर करना है। देखो हम नौसिखिए हैं, हमें साथ देना है, हमें सपोर्ट करना है, देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। अभी हमने गिफ्ट भी लेने जाना है जो यानी जीरकपुर है पटियाला चौक पे, तो उसके लिए अभी तो हमें वेट कर रहे हैं, तो हमारे ड्राइवर साहब गए हैं केक लेने के लिए। आ चुका हूँ, ये देखो इसको साइड में रख दो, मतलब पीछे रख दे, पीछे नीचे रख दे, यहाँ रख दे। मेरे को पता है ये गिफ्ट के लिए पतली साइड जाना पड़ा, तभी इतने टाइम लगा, मैं बोल रही हूँ खुद ही बनाने लग गया शायद, क्या करें। तो वेरी एक्साइटेड टू मीट पापा, उनको नहीं पता कि हम आने वाले हैं, इसी को नहीं पता है। मैंने मोनू भी, मोनू तो मुझे फोन करके पूछ भी रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको वो किया कि नहीं मेरी रूम कहाँ है, हम तो यही है। अब देखते हैं एक्सप्रेशन। और दूसरा गिफ्ट मैं अपने पापा को फर्स्ट टाइम गिफ्ट देने वाली हूँ, यार ये कितनी ऑसम है यार। मेरे पापा फर्स्ट टाइम केक कट करने वाले हैं, मेरे पापा कभी केक कट नहीं किया आज तक अपने जन्मदिन पर, सिर्फ हमें घुमाया है, तो पहली बार मैं कर रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ। सो हम पहुँच गए जीरकपुर, हम कैमरों से बच रहे हैं क्योंकि यहाँ पार्किंग में भी कैमरा लगा रखा है पापा ने, तो उनको बिल्कुल खबर नहीं है कि हम यहाँ पे, दिस इज द केक और गिफ्ट में भी पार्क है।
ये नहीं मोटी नीचे एक्टिवा थी मैंने जान नहीं दिया नहीं थी नहीं थी पापा है ही नहीं घर पे फोन करो इनको सरप्राइज देना था उन्होंने सरप्राइज दिया हमें इंतजार करवा के ये आटा लेके आएंगे मैंने कहा था उसका इंजेक्शन देने के लिए हाँ दो जरूरी आ रहा है छुट्टी है मैंने हाँ जी चाबी निकाला है हमारे बर्थडे बॉय और मेरा कुकुटी का है सो रखी सो वी आर हियर विद द बर्थडे बॉय पापा आगे हैं मीशो ने भी उठ गया है और फिर अभी पापा हमारे साथ केक कट करेंगे देखो केक एकदम दिल वाला केक है किसका आईडिया था तो चीयर से इधर हैप्पी बर्थडे देखा अले बूमर हूं फूट हैप्पी बर्थडे टू यू केक ये लो पापा पापा चल मैं लेके आता हूँ ये ले बन रही है खोलो इसे अरे बाबा कौन है ये बोले दूध है वो कौन है मैं हूँ अरे वाह वाह देख बेस्ट फोटो आ गई बढ़िया फोटो आ गया सबसे बढ़िया ये यादगार रह गया मेरा 15 मेरा 0.5 है। 0.5 बाबा हमको लेके जा रहे हैं लंच पे डिनर बोल रही थी लंच पे तो पापा को गिफ्ट बहुत पसंद आया बेटा चम्मच करते वहाँ पे है चम्मच चलो हमारे साथ ही चलो फिर हम चल रहे हैं 26 हम चल रहे हैं लंच मेरे घर से ही चम्मच लेके जा रहे हैं वो दे चाहे ना दे मैं अपना लेके आऊंगी खुश रहते हो जब घूमने जाते हैं कल रात पापा इसको पता लग गया था कि हम घूमने जाने वाले हैं रात भर सोई नहीं है मैडम हाँ भाई और हम जरा से बाहर के जा रहे हैं आ रहे बीट आ रहे ओ हियर वी कम फॉर जीटी रोड आज पापा की तरफ से हमें ट्रीट है तो लेट्स सी वे तो पता नहीं है हम सोच रहे जीटी रोड में जाएं कि गरम धर्म में जाएं स्वागत किया जाए हमारा जय हम आए हैं हम पहुंच गए हैं स्वागत में तो यहाँ हमारा स्वागत है ये देखो मेन्यू आ चुका है गुलाब गुलाब सब रखा ये क्या चीज है ये क्या पेटीज रखी थी देख तनु मोनू और मेरे लिए तो पैटीज रखी है तो यार अभी तो डिसाइड हो रहा है क्या खाना है और पीछे देखो मोटी के क्या है दारू दूरू है पीछे मोटी के वो देखो और देख पीछे उधर देख तो ये देखो लंच आ चुका है हमारा और अब लंच कर रहे हैं ये देखो लंच करके बात करते हैं फिर यार लंच हम पहले जीटी में गए जीटी में उन्होंने बोला कि खत्म हो गया हाँ साला खत्म हो गए खत्म इन द सेंस
क्योंकि लंच का टाइम भी खत्म हो गया था. नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दी डिनर. सो फिर हम वहाँ गए स्वागत में. सिरे का खाना था, पेट भर के खाया हमने, बिल भी तगड़ा आया. अब हम चल रहे हैं, घर जा रहे हैं. मिलते सो अब हम आ गए घर. बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा दिन गया मेरा. और पापा को जो देने सरप्राइज देने का हमारा मूड था वो बहुत अच्छा गया है. पापा बहुत खुश हुए गिफ्ट देख के, बिकॉज उसमें सोनू थी एज यू सी. तो हमें बड़ा अच्छा लगा. और उनको उनकी खुशी देख के और उसके सामने वो खाना पापा ने हमको ट्रीट दी. बहुत मजा आया, पेट एकदम फुल है. सो आज का दिन यही ख़त्म होता है. अब फिर हम सीधा जाएंगे घर अपने. एंड वी फील वेरी गुड. पापा को फर्स्ट टाइम में गिफ्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ. आज का ब्लॉग खत्म होता है यहीं पे. ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा. और आप भी अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट्स देते रहिए, सरप्राइज देते रहिए. और मुझे और हिंट्स दीजिए कि कमेंट सेक्शन में कि और किस तरह सरप्राइज दे सकते हैं, आपका क्या यूनिक तरीका है. हमारा तो सिंपल है यार. और सब्सक्राइब करना मत भूलना. जो जो जिस इंसान ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे प्रिय दर्शकों सब्सक्राइब ज़रूर करें.